डॉक्टर शशिकांत सिंह बी ए चतुर्थ सेमेस्टर प्राचीन इतिहास के विद्यार्थियों के लिए पूर्व मध्यकालीन अर्थव्यवस्था पर व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। पूर्व मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की जानकारी के लिए जो है हमारे पास साहित्यिक ग्रंथ हैं, अभिलेख हैं, सिक्के हैं, विदेशियों के विवरण हैं। अर्थव्यवस्था से संबंधित जानकारी के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है हेमचंद्र का प्रबंध कोश, शून्य पुराण, सोमेश्वर तृतीय का मानसोल्लास, राजा भोज का युक्त कल्प तरु महत्वपूर्ण साहित्य ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त चंदेल, चालुक, चौहान और गाढ़वाल कालीन अभिलेख भी इस काल की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। विदेशी भ्रमणों में मार्को पोलो, अल्बर्नी और चाउजुआ कुआ के विवरण जो है उल्लेखनीय है। पूर्व मध्यकाल के सिक्के भी जो है इस काल के अर्थव्यवस्था की कहानी कहते हैं। इन ऐतिहासिक स्रोतों से हमें जो जानकारी मिलती है उससे ये पता चलता है कि अर्थव्यवस्था का जो परंपरागत आधार था कृषि, पशुपालन और उद्योग, वही अब भी कायम था, लेकिन पूर्व मध्यकाल में हमें उसमें परिवर्तन दिखाई देता है। परिवर्तन यह कि अब कृषि व्यवस्था जो है पहले से उन्नत दशा में दिखाई देती है, जैसा कि प्रबंध कोश नामक ग्रंथ से पता चलता है। हमें 17 प्रकार के धान्यों के प्रमाण पूर्व मध्यकाल में मिलते हैं। शून्य पुराण से ये पता चलता है कि इसमें बंगाल में 50 प्रकार के चावल पैदा किए जाते थे। मानसोल्लास नामक ग्रंथ से ये जानकारी मिलती है कि इस काल में 8 प्रकार के सुगंधित चावल का उत्पादन होता था। चावल के साथ ही साथ जो प्रमुख खाद्यान्न थे गेहूं और जौ, उनका भी उत्पादन हो रहा था। इसके अतिरिक्त दालें, मक्का, सरसों, राई, तिल, यह भी पैदा किए जा रहे थे। इनके साथ साथ गन्ना का भी उत्पादन हो रहा था। अरबी लेखक हमें ये बताते हैं कि इस काल में भूमि जो है काफी उर्वर थी, उनसे अधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा था। पूर्व मध्यकाल के साहित्यिक ग्रंथों से, अभिलेखों से हमें कई प्रकार के करों की जानकारी मिलती है। कई प्रकार के करों में भाग, भोग, बल, धान्य, हिरण्य, उपरिकर, उद्रंग और उदक भाग के नाम मिलते हैं। इसमें भाग कृषि कर था जो उत्पादन पर लगाया जाता था, भोग उत्पादन में जो राजा का भाग होता था, बल जो राजा को उपहार में दिया जाता था, धान्य कुछ प्रमुख अनाजों पर लगाया जाता था, उपरिकर और उद्रंग ये अस्थाई कर थे, जबकि उदक भाग सिंचाई कर था। भूमि का स्वामी मूलतः राजा होता था, इसलिए उत्पादन में उसका हिस्सा जो है निर्धारित होता था। इसके अतिरिक्त जो शेष भाग होता था उसका स्वामी कृषक होता था, जो अपने हिसाब से उसका उपभोग करता था। कलचुरी और गाढ़वाल वंश के जो अभिलेख हैं, उनमें हमें कई अन्य प्रकार के करों की भी जानकारी मिलती है। जैसे तुरुस्क दंड, यह मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। प्रमणिकर, यह फुटकर व्यापारियों से लिया जाता था, जो अपना सामान बेचते थे उनसे कर जो है लिया जाता था। इन करों के अतिरिक्त हम पूर्व मध्यकाल में ये देखते हैं कि सिंचाई की उत्तम व्यवस्था की गई थी। अनेक वंश के राजाओं ने तालाबों का निर्माण करवाया था, कुओं का निर्माण करवाया था और नहरें निकाली थी। इसमें अगर हम नाम लेना चाहें तो सबसे प्रमुख नाम चहमान शासक विग्रहराज चतुर्थ का है, जिसने बीसल सर नामक एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। भोज परमार ने अपनी राजधानी धारा नगरी में भोज सर का निर्माण करवाया था, जिससे पीने के पानी और सिंचाई, फसलों की सिंचाई के लिए जो है
जल उपलब्ध होता था। एक अर्घट शब्द का भी उल्लेख मिलता है इस काल में। इससे यह पता चलता है कि कुएं के द्वारा रहट से जो पानी निकालकर नालियों के माध्यम से जो है खेतों तक तो पहुंचाया जाता था, उसे कहा जाता था। कृषि और पशुपालन के साथ साथ व्यवसाय और उद्योग भी जो है इस काल में चल रहे थे। हमें रथकार, बढ़ई, मालाकार, कलाल आदि व्यावसायिक जातियों के नाम मिलते हैं। इसमें कलाल सुरा व्यापारी थे। बाकी सारे नामों के बारे में आप जो है पहले से जो है परिचित होंगे। विभिन्न नगरों को मार्गों से जोड़ दिया गया था, जिससे व्यापारियों को आवागमन में कोई बाधा न हो। इन व्यावसायिक जातियों के साथ साथ बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ। नगरों के निर्माण के लिए पत्थर तराशने का काम भी था। इसका अर्थ ये हुआ कि पत्थर तराशने वाले जो है शिल्पी भी निश्चित रूप से रहे होंगे। पूर्व मध्यकाल में व्यापारिक श्रेणियां भी महत्वपूर्ण थीं। व्यापारिक श्रेणियों के अपने सभा भवन होते थे, जहां बैठकर वो विचार विमर्श करते थे। उत्पादन और वितरण किस तरह से जो है किया जाए और उनके नियमों का पालन शासन को भी करना होता था, क्योंकि वो राजकोष की आय का एक बहुत बड़ा साधन थे। अलबर्नी हमें बताता है कि भारत का जो विदेशी व्यापार था वो अरब, मिस्र, चाइना और पूर्वी द्वीपीय देशों के साथ होता था। लेकिन हम अगर व्यापार की बात करते हैं पूर्व मध्यकाल में, तो इसको हम दो चरणों में बांटना चाहेंगे, क्योंकि 700 से 1000 ईस्वी का जो काल है वो व्यापार वाणिज्य के लिए ह्रास का काल था, पतन का काल था। और 1000 से 1200 ईस्वी का जो काल है वो व्यापार वाणिज्य के लिए उत्थान का काल था। व्यापार वाणिज्य की हम इस काल में वृद्धि पाते हैं। 700 से 1000 ईस्वी का जो काल है उसमें व्यापार वाणिज्य के पतन का कारण था कि छोटे छोटे साम्राज्यों का उदय हुआ था, कोई बड़ी सत्ता नहीं थी, व्यापारियों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता था, सामंतों का अपना प्रभाव था, समाज में चोर डाकुओं का भय था, साहूकार थे, साहूकार जो ब्याज पर ऋण देते थे उनका परसेंटेज जो है 15% से बढ़कर 25% वार्षिक हो गया था, और वह जो है धोखाधड़ी भी करते थे जो है ऋण लेने वालों के साथ। चोर डाकुओं के भय के कारण कभी कभी सामंत भी उनके साथ मिलकर जो है इस क्रिया को अंजाम देते थे। तो इससे व्यापार वाणिज्य का इस काल में पतन हुआ। लेकिन इसके बाद के काल में जब 1000 से 1200 ईस्वी का काल आता है, जिसमें परमार हुए, चंदेल हुए, चौहान हुए, ये बड़े वंशों का काल था। इस काल में व्यापार वाणिज्य काफी उन्नत दशा में दिखाई देता है। भोज परमार के ग्रंथ युक्त कल्पतरु से हमें जहाज निर्माण का पता चलता है। जहाज निर्माण तकनीक के बारे में जो जानकारी मिलती है वो ये कहा गया कि जो जहाजों के निर्माण में लकड़ी के तख्तों का इस्तेमाल होता था, उसको लोहे की किलों से जोड़ने के बजाय हमें रस्सी से बांधने का काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि किलों को जोड़ने से जो मैग्नेटिक चट्टानें हैं वो कहीं जहाजों को अपनी तरफ खींच ना ले। तो ये जो है इस काल के टेक्नोलॉजिकल ज्ञान की तरफ संकेत करता है। दूसरी बात, जो राजवंश हैं बड़े बड़े, उन्होंने व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया, क्योंकि व्यापारी जो है उनके आय का एक, व्यापारी को राजा का कोष कहा गया है।
इसी कारण जो है राजवंशों ने व्यापारियों के लिए सेना और सुरक्षा उपलब्ध कराई। पूर्व मध्य काल में हम ये देखते हैं कि नगदी फसलों का उत्पादन जो है पश्चिमोत्तर भारत में होने लगा था। इन नगदी फसलों में गन्ना, कपास और सन प्रमुख हैं। मार्को पोलो उल्लेख करता है कि गुजरात के लोग कपास से रुई निकालने की कला सीख लिए थे। छोटे छोटे व्यापारी जो हैं कपास और सन से सूती वस्त्रों का निर्माण करते थे और उसे ले जाकर बंदरगाहों पर जो है बेचते थे। इस काल में विभिन्न वंशों ने अपने सिक्के भी चलाए। इसमें गाहड़वाल वंश का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जा सकता है। मदनपाल ने द्रम प्रकार के द्रम नामक सिक्के चलाए। कंजूर शासक गांगे देव ने सोने के सिक्के चलाए। चवमान शासकों ने गदहिया प्रकार के सिक्के चलाए। इस काल में कलचुरियों ने और चंदेलों ने लक्ष्मी प्रकार के सिक्के चलाए। ताम्र सिक्कों पर हनुमान की आकृति का अंकन भी मिलता है। इस काल में सिक्कों के कई नाम मिलते हैं, जैसे दीनार, द्रम, रूपक, कारसापण, बिनसोपक आदि। इन विभिन्न प्रकार के सिक्कों से ये पता चलता है कि व्यापार वाणिज्य जो है उन्नत दशा में पहुंच चुका था और व्यापारियों ने कर को जो है नगद देना प्रारंभ कर दिया था। विदेशी व्यापार भी अपने चरम स्थिति पर पहुंच गया था। मार्को पोलो हमें बताता है कि चीन के व्यापारी भारत के पश्चिमी तट पर आते थे और यहाँ से मोटे अनाज, कपड़े, रेशम और अदरक का व्यापार करते थे। चाउ जो कुआ हमें बताता है कि भारत से चीन का व्यापार क्विलोन और मालाबार तट से जो हो रहा था उसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि इससे चीन की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा था। तो यह जो है अर्थव्यवस्था की तस्वीर है। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूर्व मध्य काल में जो संपत्ति थी वो मंदिरों में जमा हो रही थी। संपत्ति जो है धन के केंद्रबिंदु हो गए थे और आपने 1000 ईस्वी के काल में देखा होगा किस तरह से महमूद गजनवी ने बार बार भारत पर आक्रमण किया और मंदिरों को अपना निशाना बनाया। 1025 ईस्वी में उसके सोमनाथ के मंदिर पर जो आक्रमण का उद्देश्य था एकमात्र धन को लूटना, और ये कहा जाता है कि यहाँ से उसने इतनी ज्यादा संपत्ति लूटी, वो संपत्ति जो है उसके ऊँटों और हाथियों से जो है घोड़ों से गिरते हुए जो है यहाँ से गर्मी तक गए थे। तो अंततः हम ये कहना चाहेंगे कि पूर्व मध्यकालीन की जो अर्थव्यवस्था है वो बाद के काल में काफी उत्तरदशा में थी। इसी कारण जो है बार बार जो है भारत पर जो है तुर्क आक्रमण हुआ और अंततः जो है तुर्कों ने जो है यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली और गुलाम वंश के रूप में जो है अपनी सत्ता के सुधार।